Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the theory questions, some of the expected questions I have brought about the subject of cost accounting. So financial accounting already have uploaded and video, agar wo apne abhi tak nahi dekha to uska link mein description mein de raha hu, wahan se check kar sakte. जो कॉस्टिंग के थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें. और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे में लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज थियोरी क्वेश्चंस विच कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. सो अगर हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूछे जाएंगे, एंड दैट विल बी द फर्स्ट चैप्टर विल बी इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड. जो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कॉल्ड एज एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट. देन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो इस चैप्टर का एक बेस है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन द नेक्स्ट चैप्टर विल बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखें, बिकॉज इस पे काफी सारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटेंशन मनी, तो रिटेंशन मनी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको वो लिखना है कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ वर्क्स डन जो 24% तक होगा, मतलब लेस देन 25% होगा, तो हाउ विल वी कैलकुलेट द प्रॉफिट. द होल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट. अगर 25% से लेके 49% तक रहा तो आपका पूरे का पूरा प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड एज 1/3 के फॉर्मूला से, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड. एंड सिमिलर अगर आपका प्रॉफिट 50% या उससे ऊपर रहा तो 2/3 के फॉर्मूला से. वही सारी चीजें आपको प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड सच एज प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. प्रोसेस कॉस्टिंग डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू पढ़ के रखें, सो दैट एग्जाम में अगर प्रोसेस कॉस्टिंग रिलेटेड शॉर्ट नोट बनेगा तो यू कैन इजिली राइट इन द पेपर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वो भी आपको पढ़ के रखना है. देन द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द टाइप्स ऑफ लॉसेस कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन. तो ये तीन में से एक के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन मैंने एक ही में लिखा है, आप दोनों प्रिपेयर करके रखना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द जॉब कॉस्टिंग, तो जॉब कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है. और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको पढ़ के रखें, बिकॉज ये जो थियोरी क्वेश्चंस आएंगे 10-10 मार्क्स के, दो उसमें भी पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है. देन द नेक्स्ट इज द पीवीआर कॉल्ड एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, द कंसेप्ट ऑफ पीवीआर विच विल बी रिलेटेड टू योर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो पीवीआर के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. नेक्स्ट कैन बी द बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर बेनिफिट्स यूजुअली पेपर में पूछे गए हैं, तो आप बेनिफिट्स को अच्छी तरीके से पढ़ के रखें. बेनिफिट्स कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. देन द नेक्स्ट कैन बी द वरायंस एनालिसिस, वरायंस एनालिसिस इज नथिंग बट द वेरियस काइंड ऑफ वेरियंसिस विच वी आर कैलकुलेटिंग कॉल्ड एज मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल कॉस्ट. सिमिलरली लेबर कॉस्ट, लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी. तो इन तीनों के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को प्रिपेयर करके रखना, दैट इज कॉल्ड वरायंस एनालिसिस. नेक्स्ट इज द टारगेट कॉस्टिंग, तो टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है. फिर एक टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एंड एक एबीसी कॉस्टिंग कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है. तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको पेपर में इससे काफी सारे शॉर्ट नोट्स देखने मिलेंगे, और आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो इजी तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा. और ये सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ने का एक दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वॉट एवर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव आर आस्क इन द पेपर विच विल बी रिलेटेड टू द थियोरेटिकल बेस. तो इतने बेसिस पे पढ़ के रखना है आपको सारे के सारे थियरी क्वेश्चंस. तो फाइनेंस का जो थियरी क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है. दिस इज द थियरी क्वेश्चन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग. वैसे ही अभी
डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज द जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी थियरी क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा, और अंडरराइटिंग के ऊपर मुझे काफी सारे कमेंट मिल रहे हैं, तो अंडरराइटिंग के ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाता हूँ, तो उसके ऊपर काफी सारे डाउट्स है, वो सारे के सारे डाउट्स उस एक ही वीडियो में से क्लियर करने का ट्राई करूंगा, बिकॉज अंडरराइटिंग अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बन सकता है. सो दैट्स इट, दिस वॉज द क्वेश्चन. इफ यू आर न्यू फॉर द वीडियो या न्यू टू द चैनल, देन सब्सक्राइब करो लास्ट मिनट रिविजन विद RSM एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर.